राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यूपी के गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 150 सीटों पर सिमटने वाली है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन भाजपा का सफाया कर देगी। राहुल से पूछा गया कि आप अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ने क्यों नहीं गए। इस पर राहुल ने कहा, ये फैसले पार्टी की मीटिंग्स में लिए जाते हैं, पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। राहुल ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमने तय किया है कि सभी ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप्स कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, साल का 1 लाख यानी महीने का 85,000 रुपए अकाउंट में डालेंगे। राहुल ने इसके बाद कर्नाटक के मंडया और कोलार में रैली की। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ा वसूली रैकेट है।